और आपको बताएं रावलपिंडी में फैजाबाद को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। डबल रोड 26 नंबर चुंगी को भी पुलिस ने सील कर दिया है। जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। फ्राहम करदा मुतबादल रास्तों पर रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिस है। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं उस्मान मोखल से। उस्मान बताइएगा, रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो क्या ट्रैफिक के लिए कोई मुतबादल रास्ता भी बताया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे की कॉल के मामले पर पुलिस ने जुड़वा शहरों का जो संगम है फैजाबाद उसे कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। डबल रोड 26 नंबर चुंगी, रहमानाबाद और मुलेका जो इलाके हैं उनको भी सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। जबकि जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और मुतबादल रास्तों पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। जिले की इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है और शहर में जलसे जुलूस रैलियां और मुजाहरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि बानी पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए जारी करदा NOC गुज़श्ता रात मनसूख किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे की कॉल के मामले पर पुलिस ने जुड़वा शहरों का जो संगम है फैजाबाद उसे कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। डबल रोड 26 नंबर चुंगी, रहमानाबाद और मुलेका जो इलाके हैं उनको भी सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। जबकि जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और मुतबादल रास्तों पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। जिले की इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है और शहर में जलसे जुलूस रैलियां और मुजाहरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि बानी पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए जारी करदा NOC गुज़श्ता रात मनसूख किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे की कॉल के मामले पर पुलिस ने जुड़वा शहरों का जो संगम है फैजाबाद उसे कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। डबल रोड 26 नंबर चुंगी, रहमानाबाद और मुलेका जो इलाके हैं उनको भी सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। जबकि जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और मुतबादल रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जिले की इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है और शहर में जलसे जुलूस रैलियां और मुजाहरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि बानी पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए जारी करदा NOC गुज़श्ता रात मनसूख किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे की कॉल के मामले पर पुलिस ने जुड़वा शहरों का जो संगम है फैजाबाद उसे कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। डबल रोड 26 नंबर चुंगी, रहमानाबाद और मुलेका जो इलाके हैं उनको भी सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। जबकि जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और मुतबादल रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जिले की इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है और शहर में जलसे जुलूस रैलियां और मुजाहरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि बानी पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए जारी करदा NOC गुज़श्ता रात मनसूख किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे की कॉल के मामले पर पुलिस ने जुड़वा शहरों का जो संगम है फैजाबाद उसे कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। डबल रोड 26 नंबर चुंगी, रहमानाबाद और मुलेका जो इलाके हैं उनको भी सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। जबकि जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और मुतबादल रास्तों पर भी पुलिस की भारी
भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जिले की इंतजामिया की हिदायत पर रावलपिंडी में 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है और शहर में जलसे जुलूस रैलियां और मुजाहरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि बानी पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के लिए जारी करदा एनओसी गुज़श्त रात मंसूख किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।